हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोनिया सिंह। आज मैं आपको सिखाऊंगी सीढ़ी से की होल्डर बनाना। तो इसके लिए हमारी दो सीढ़ी लगेंगी और इसमें लगेंगे एक्रेलिक कलर और शिल्पकार। मैं शिल्पकार से इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। मैं क्लास में जो सिखाती हूँ वो मैं सिखाती हूँ अपनी क्ले से, मैं अपनी क्ले खुद तैयार करती हूँ, तो जिससे आप लोग आसानी से बना सके इसके लिए मैं शिल्पकार यूज़ कर रही हूँ। और इसके लिए हमारा लगेगा ये मार्बल डस्ट पाउडर, इस तरह का ये पाउडर होता है। तो सबसे पहले हम मार्बल डस्ट पाउडर लेंगे और MR फेविकोल और इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और हल्का सा पानी भी इसमें डाल लेंगे, इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह का। अब ये जो दो हमने सीढ़ियाँ ली हैं इनको आपस में इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। ये जो बीच का जो राउंड है छोटे वाला, इसी के साथ इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए इन दोनों सीढ़ियों को हमने एक साथ पेस्ट कर लिया है और ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है इसको हम पूरे को कवर करेंगे। इसमें कुछ नहीं डालना, फेविकोल है, मार्बल डस्ट पाउडर है और हल्का सा पानी, आधा चम्मच पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। एक पतली सी लेयर ही लगाएंगे सर, देखिए। इसके ऊपर ये पतली सी लेयर लगाने के बाद इसको सूखने के लिए कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से सूखकर तैयार हो जाएगा। अब हम शिल्पकार लेंगे। अब दोनों क्ले को निकाल कर और मिक्स कर लेंगे और हाथ में पहले हल्का सा पाउडर लगा लेंगे जिससे कि चिपके नहीं। कोई भी पाउडर लगा सकते हैं और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब दोनों क्ले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो उसका कलर इस तरह का हो जाएगा। और अब हम जो इस पर डिज़ाइन करने वाले हैं उसके लिए हम पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। तो मुझे डिज़ाइन इस तरह से लेकर जाना है, इस शेप में पेंसिल से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से अब क्ले के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, गोलियां बनाएंगे, सिर्फ इतना सा, इससे बड़ा साइज नहीं लेंगे। इस तरह से करेंगे, इसको प्रेस करेंगे। देखिए फिर यहाँ कोने से पकड़कर इस तरह की शेप पत्तियों को दे देंगे। सारी पत्तियां हमें इसी तरह से बनानी है। गोला बनाया, ऐसे प्रेस किया और एक तरफ से कोना पकड़कर इस तरह से
तो सारी पत्तियां अपनी तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी पत्तियां तैयार कर ली और इसमें अरेंज कर दी है, और ये पॉइंट भी मैंने इसमें लगा दिए हैं। तो ये जो हमारे जो दोनों सीरीज के जो छेद थे, इनको भी मैंने बंद कर दिया है, नीचे की तरफ पेपर लगा दिया है। और अब हम दो गोलियां बनाएंगे और एक छलनी लेंगे। इस छलनी में इस गोली को रखेंगे और प्रेस करेंगे ऐसे, और उसको निकाल लेंगे। तो देखिए इस पे इस तरह से इसका डिज़ाइन आ जाएगा। तो दूसरी गोली को भी इसी तरह से कर लेंगे, छलनी में रखा, प्रेस किया और ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब ये जो हमारे ये जो दोनों छेद हैं, इसमें फेविकोल लगाएंगे और इन दोनों को यहाँ अरेंज कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब इस तरह की छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेंगे और इनको इस तरह से ऐसे थोड़ा लंबा करेंगे और नाइफ से इस तरह से हल्का सा कट डाल देंगे। और ऐसे ही सारी पत्तियों को तैयार करके फ्लावर तैयार करेंगे। अब इस तरह तो फ्रेंड्स देखिए, ये सूखकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर करेंगे और इसको और ज़्यादा डार्क करने के लिए उसमें ब्लैक कलर मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो ये फ्लावर्स हैं, इन वाले फ्लावर्स पर हम करेंगे शाइनिंग वाला फैब्रिक कलर। ये कलर नॉर्मल होते हैं सिंपल, और इनमें होती है शाइनिंग। ये शाइनिंग वाले कलर भी आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगे। और इन फ्लावर्स के लिए यूज़ करेंगे हम रेड और येलो कलर। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है हैंगिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।